सर्वोच्च अदालत में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुकदमे की सुनवाई निर्णायक दौर में है, फिर भी इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश रुकी नहीं है। इसी कोशिश में मंगलवार को अखिल भारतीय मुस्लिम फोरम का एक डेलीगेशन ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष व जानकारी घाट बड़ा स्थान के महान जन्मेजय शरण सहित कई अन्य संतों से मिला। इस मामले में कुछ बीच का रास्ता निकले, इसलिए 10,000 पत्रकों पर लोगों का दस्तक करवाया कर कोर्ट को सौंपा गया है। डेलीगेशन ने इसकी जानकारी भी दी। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम डेलीगेशन ने निमोही अखाड़े के दावे को भी मजबूत बताया। मुस्लिम फोरम के बैनर तले पहुंचे डेलीगेशन में पूर्व LLM मोईद अहमद, एडवोकेट अमीर हैदर, पूर्व कस्टम कमिश्नर तारिक गौरी, पूर्व जज BD नकवी, सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद सिद्दीकी, CRPF के पूर्व IG आफताब अहमद खानी, महान जन्मेद शरण के साथ पचकर व निर्मोही अखाड़ा के महान गिरनेश दास, रामलला के पुजारी आचार्य संत देश दास निर्मोही, अखाड़े के वकील राजजीत लाल वर्मा सहित कई अन्य संतों से मुलाकात की। दोनों ही तरफ से लोगों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने इस बात की वकालत की। मुस्लिम फोरम के लोगों ने कहा, देश में प्रेम और सदावन बना रहे, इसलिए अयोध्या से मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। राम का भाव मंदिर बने, लेकिन बदले में अयोध्या के किसी भी मुनासिब जगह में मस्जिद के लिए भी स्थान दिया जाए। राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम डेडिकेशन ने निर्मोही अखाड़ा के दावे को मजबूत बताया और वहां की पिछले 150 साल से निर्मोही अखाड़ा इस मामले में केस लड़ रहा है। मुस्लिम डेलीगेशन सद्भावना के साथ साथ कहीं ना कहीं निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में भी खड़ा होता नजर आ रहा है। आज संभ्रांत लोग सभी पूर्व जज, पूर्व मंत्री, पूर्व IG, DIG और सभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे उत्तम शर्मा जी के सौजन्य से सभी लोगों को लाया गया है और हमारे निर्मोही अखाड़ा के माननीय श्री महन जी, निर्मोही अखाड़ा के श्री बाबू रंजीत लाल वर्मा जी एडवोकेट, आपसी सुलह समझौता के तहत जो बनने की बात शुरू से चल रही है, आज 10 वर्ष से हम लोगों के काफिला के साथ में, हम लोगों के मतलब समारोह के रूप में, आपसी सुलह समझौता के रूप में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण दिव्य नव्य भव्य और वर्तमान सरकार केंद्र में और प्रदेश में इसके समय काल में ही हम लोगों के धर्माचार्यों के आदेशानुसार और आशीर्वाद से सारे देश के उदयाचल से अस्ताचल तक के सभी खड़े हो जाए जरा संत लोग आ जाए, यहाँ खड़े होने में क्या पति है हमारे, आ जाइए महाराज। तो हमारे जीवन में, जीवन से पूर्व, हम लोगों के जन्म के पूर्व से जो बहुत बड़ा एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह था धारा 370, वो समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। धारा 370 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे से भी कहीं बड़ा था, जिस फाइल की ओर कोई सरकार देखती नहीं थी और ये पटाक्षेप हुआ। आपसी सौहार्दता का परिचायक बन करके धारा 370 को जैसे समाप्त किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में और आदेशानुसार उसका अनुपालन करते हुए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी सहयोग सहभागी बने और सारे धर्माचार्यों के आदेशानुसार और आशीर्वाद से नव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसी सुखद क्षण के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और बार बार इस बात को हम लोग जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक दोहराते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी अब मंदिर निर्माण का जो भी अवरोध गतिरोध है वो सब समाप्त हो। आज सैकड़ों वर्ष से माननीय परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज लिखा पढ़ी में बयान हल्फी दिए हैं कि निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ के मूल भूमि के लिए संघर्ष कर रहा है। निर्मोही अखाड़े के नेतृत्व में मंदिर का भव्य नव्य निर्माण होना चाहिए, जिसका मूल आधिपत्य है, मूल वहाँ पर जगह है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसी के लेखा जोखा के अनुसार, खसरा खतौनी खेवट के अनुसार वहाँ पर जो है निर्माण की अनुमति देगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण
श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बोलकर और सारे संतों के, धर्माचार्यों के, निर्मोही अखाड़ा के माननीय श्री महंत जी महाराज, हमारे महाविरक्त के माननीय श्री महंत माधोदास जी महाराज, श्री दीनेन्द्र दास जी महाराज, श्री स्वामी जी कनक बिहारी जी के बगल में आपका ये हमारे उत्तम शर्मा जी, हमारे बड़े हनुमान जी, जहाँ हनुमान जी आगे 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 कहे हनुमंत ही लीना बैठे विवर विलम्ब न कीना, जहाँ हनुमान जी आगे आ गए वहाँ सारी गति और जो अवरोध है वो अपने आप ध्वस्त हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है, उसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। इसलिए और देवी देवताओं का प्रभाव प्रताप एक एक युगों में रहता है, लेकिन श्री हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा चारों युग।